हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक नियंत्रण ब्लॉग। सो दोस्तों, आज किसी ब्लॉग में हम लोग यहाँ पर विश्व शांति स्तूप पर यहाँ पर चढ़ने वाले पहाड़ पर, तो उसका पूरा यहाँ पर व्यू मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो इस ब्लॉग पर बने रहिए, चलिए यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को। सो गाइस, आपको पीछे यहाँ पर आपको देखना लिफ्ट से, यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पर चढ़ रहे हैं, जो नहीं चढ़ पाते हैं यहाँ पर लिफ्ट से भी जाते हैं, जैसे कि आप लोग देखने को मिल रहा होगा। तो किस तरह से यहाँ पर लिफ्ट से यहाँ पर सब लोग यहाँ पर जा रहे हैं, इस तरह से यहाँ पर बनाया गया है। और काफी सारे लोग यहाँ पर लिफ्ट में चढ़ने के लिए यहाँ पर लाइन में खड़े हुए हैं सो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सीढ़ियों के द्वारा यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पहाड़ की ओर चढ़ेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तम और जिस यहाँ पर चढ़ रहा है। सो गाइस, यहाँ पर मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है, यहाँ पर वर्षा होने लगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कवारी लोग तो ये देखिए प्रभात कुमार जा रहे हैं। ऐसे कहाँ है यार। सो दोस्तों, विश्व शांति स्तूप राजगीर का आपको कुछ व्यू इस तरह से देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा आपको यहाँ पर देखने को लग रहा है। और यहाँ पर चारों तरफ यहाँ पर बुद्ध भगवान की यहाँ पर प्रतिमाएं बनाई गई, जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं वहाँ पर गेट पर एक दो बाघ बनाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और कितने सारे यहाँ पर कवारिया लोग भी आए हुए हैं यहाँ पर पहाड़ पर चढ़ के यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पर जल भी, तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पर फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पर लोकेशन आता है फ़ोटो शूट करने के लिए, देख सकते हैं वहाँ पर उत्तम और देश और दिशाद वहाँ पर खाली फ़ोटो क्लिक करवा रहा है, जैसे कि देख सकते हैं। सो दोस्तों, उस पर मैं चढ़ के भी आपको दिखाऊँगा किस तरह से, आपको नज़दीक से मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस पर चढ़कर। और काफ़ी यहाँ पर आने पर आपको यहाँ पर अच्छा महसूस होगा, आपको लोग यहाँ पर आएंगे तो विश्व शांति स्तूप पर आप चढ़ेंगे तो आप उस पर से आप यहाँ पर इस साइड देखेंगे आपको यहाँ पर, तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कितना यहाँ पर प्रकृति का आपको नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और आप वहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक घंटा बनाया गया बड़ा सा, तो सारे व्यू मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊँगा, तो इस ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। तो हम लोग यहाँ पर चढ़ रहे थे तो यहाँ पर वर्षा होने लगी थी, इसलिए हम लोग यहाँ पर कुछ समय यहाँ पर हम लोग लेट हो चुके हैं, क्योंकि जैसे ही हम लोग यहाँ पर चढ़े हैं तो यहाँ पर वर्षा स्टार्ट हो चुकी थी। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी मैं यहाँ पर भीग चुका हूँ, देख सकते हैं। तभी मैं आपको यहाँ पर ब्लॉग बना के आपको दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर आपको राजगीर का यहाँ पर पूरा मैं आपको यहाँ पर व्यू दिखाऊंगा इस ब्लॉग पर। तो आप यहाँ पर फीडबैक दीजिए कि आप लोग पहाड़ पर चढ़ने से आपको कैसा महसूस हो रहा है। ऑसम, बहुत ही अच्छा लगा शांति स्तूप पर यात्रा करके पहाड़ चढ़ने में, और बहुत ही कठिनाई से बहुत ही मुश्किलों से चढ़ा, लेकिन बहुत ही जब हम लोग चढ़ रहे थे तो जब हम चढ़े थे तुरंत वहाँ पर वर्षा स्टार्ट हो चुकी थी, हम वहाँ पर
भींगते भींगते बारिश का आनंद लेते हैं। आपको यहाँ पर बाल देखने पर, जैसे कि आप लोगों को हमारा बाल देखने को मिल रहा होगा कि भींगा हुआ है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर विश्व शांति स्तूप यहाँ पर चढ़ चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ यहाँ से सीढ़ी आपको बनाया गया है, चलिए हम लोग चढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा का यहाँ पर स्टैचू बनाया गया, देख सकते हैं कितना बड़ा सा आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर साइंस यहाँ पर दिमाग लगाया गया है, जैसे कि आप इसमें पैसे को यहाँ पर साटेंगे तो सड़ जाता है, देख सकते हैं इस तरह से कुछ, और कुछ इस तरह से आपको व्यू देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और विश्व शांति स्तूप से आप बाहर की ओर देखेंगे तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, और वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे तो देख सकते हैं, वहाँ पर एक बड़ा सा आपको वहाँ पर अंदर मिलेगा, वहाँ पर फोटो नोट अलाउड रहता है, वहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा डंका वहाँ पर बजता रहता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो वहाँ पर फोटो अलाउड नहीं रहता है, तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा आपको यहाँ पर सारा व्यू दिखाने का। मैं आपको चारों तरफ आपको यहाँ पर बुद्ध भगवान का यहाँ पर स्टैचू बनाया गया है, और सबका अलग अलग यहाँ पर नाम है, तो नाम तो नहीं बता सकता, तो हम लोगों को मालूम नहीं है अभी, चारों तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर विश्राम अवस्था में यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा यानी गौतम बुद्ध भगवान को देख सकते हैं। यहाँ पर पीपल का वृक्ष भी बनाया गया है, जैसे कि देख सकते हैं। रजनीश कुमार हेलो गाइज कह रहा है, हाँ रजनीश। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लोटस का फूल बनाया गया है, और यहाँ पर लोटस का फूल में यहाँ पर बुद्ध भगवान यहाँ पर खड़े हुए हैं। सब जैसे कि मैं पहले आपको दिखाया था, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर साइंस का यहाँ पर उपयोग करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर पैसे को साड़ रहे हैं और पैसा साड़ जाता है। और यहाँ पर मेन यहाँ पर बनाया गया है बुद्ध भगवान का मंदिर। अब हम लोग उसके नीचे आ चुके हैं, काफ़ी यहाँ पर नीचे आ चुके देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर व्यू दिखा घुमा देता हूँ आपको। सो गाइस, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। जो है ब्लॉग देख रहे हो काफ़ी यहाँ पर आ भी चुके होंगे, और नहीं आए हैं तो आप लोग यहाँ पर आ जाइएगा। बहुत ही आपको आपको यहाँ पर फल है, और बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक और बहुत और बहुत ही और इसका इतिहास बहुत ही पुराना है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे। तब चलिए चलते हैं उस यहाँ पर डंका वाले स्थान पर। सबसे पहले यहाँ पर अध्यक्ष जी जा रहे हैं, चलिए जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले ही डंका आपका आवाज़ आपको आ रहा होगा, डंका डुम डुम पिटा रहा है। तो कैमरा देखो, मोबाइल वीडियो नॉट अलाउड, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कैमरा मोबाइल वीडियो नॉट अलाउड। तो चलिए मैं आपको कैमरा वीडियो का घंटा की ओर जा रहे हैं, वहाँ पर घंटा बड़ा सा है, उसको हम यहाँ पर सीन लेंगे। चलिए मैं आपको व्यू पूरा दिखाऊंगा अच्छी तरह से। सो गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पर बड़ा सा यहाँ पर घंटा बनाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप ब्लॉग पर बने रहे कंट्री। शांति स्तूप से हम लोग यहाँ पर घूमकर घर आ चुके थे, और आने में काफ़ी यहाँ पर लेट हो चुका था, इसलिए हम लोग ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे।
तो आज मैं ब्लॉग के कंट्रीब्यू कर रहा हूँ। तो उम्मीद करूँगा आप लोग का ब्लॉग काफ़ी यहाँ पर पसंद आया होगा और काफ़ी आप लोग ब्लॉग को देखकर इंजॉय किए होंगे। तो उम्मीद करूँगा आप लोग आपको पसंद है, तो ब्लॉग पसंद है इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिए। तो आप लोग इस ब्लॉग को दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों आज के इस ब्लॉग में इतना ही, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।